हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नहाने से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम। देखिए, जिस तरह से शौच के नियम होते हैं, पानी पीने के नियम होते हैं, खाना खाने के नियम होते हैं, उसी तरह से नहाने के भी नियम होते हैं। मैंने शौच का तरीका, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप जाकर के ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको नहाने के लिए कौन से नियमों का पालन करें जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, आपकी जो यौवन है, आपकी जो आप हमेशा ही यंग रहें। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो, तो इसके लिए आज मैं नहाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी आपको जिससे आप हमेशा ही ग्लोइंग रहेंगे, हमेशा ही यंग रहेंगे और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है नहाने से पहले, वो होता है अभ्यंग। अभ्यंग का क्या मतलब होता है? अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना। देखिए, रोज किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली शरीर में अभ्यंग कर सके, डेली मालिश कर सके, जबकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है नहाने से पहले। जिस तरह से बच्चों की नहाने से पहले मालिश की जाती है, उसी तरह बड़े भी अगर अपने शरीर की मालिश डेली करें, तो उससे क्या होगा कि उनकी मसल्स मजबूत होती हैं, हड्डियों में जान आती है और जो शरीर का ग्लो है वो बहुत ही टाइम तक बना रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंटिन्यू नहाने से पहले मालिश की जाए, तो उससे शरीर में चमक बनती है और जल्दी से थकान नहीं होती है, क्योंकि मसल्स को, जब हम मसल्स की तेल से मालिश करते हैं, तो उसकी चिकनाहट शरीर के अंदर जाती है, जिससे कि शरीर में खुश्की नहीं होती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम में खासकर, कि जब आप हल्का सा ही अपने बॉडी पर ऐसे करते हैं तो स्क्रैच पड़ जाता है वाइट कलर का। वो कब पड़ता है? जब शरीर में खुश्की आ जाती है। और खुश्की कब आती है? जब आप नहाते टाइम मालिश नहीं करते हैं। देखिए, डेली अगर आपको बहुत टाइम नहीं मिलता कि आप बहुत टाइम तक अपने शरीर की मालिश कर सके नहाने से पहले, तो सिर्फ जब आप योगा या मेडिटेशन या जो भी आप करते हैं उसके जस्ट बाद 5 मिनट निकालिए और सारे शरीर पर तेल की मालिश कर लीजिए। तेल कोई भी ले लीजिए, अगर आप केरला साइड में रहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ में रहते हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी तेल आपको लगे। देखिए, तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल बाकी बेस्ट होता है, किसी भी तेल से आप मालिश कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइम मिल जाता है संडे को सबकी छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन अपने पूरी बॉडी को टाइम दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सर से लेकर के पैर के तलवे तक मालिश कीजिए, 10 से 15 मिनट रिलैक्स कीजिए और फिर उसके बाद नहाइए। कैसे? गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, आपको नहाना है ताजे पानी से। तो इस तरह से आपको नहाने से पहले अभ्यंग करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, आप बहुत जल्दी जल्दी से बीमार रहने लगते हैं। तो इसलिए ठंडे पानी का ही यूज़ करें। अगर आपसे ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता है, तब आप क्या कर सकते हैं कि उसमें 2 से 3 मग गर्म पानी मिला लीजिए और उसको ऐसा कर लीजिए कि वो ताज़ा हो जाए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंडा पानी आता है तो कई बार नहीं नहाया जाता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब गर्म पानी को पहले पैरों पर डालेंगे, फिर दोनों हाथों को पानी से गीला करेंगे, फिर शरीर पर पानी डालेंगे और फिर सर पे पानी डालेंगे।
लेकिन इससे उल्टा अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ठंडे पानी को डायरेक्ट अपने सिर पर डालिए। ये एक शोध से पता लगा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही सही रहता है, नॉर्मल रहता है। तो ये है नहाने के कुछ नियम जिनका पालन करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आया है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।